अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे एमएस एक्सेल कोर्स का क्लास नंबर 12 है। मेरे पास एमएस एक्सेल ओपन है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम सीख रहे थे इंसर्ट टैब के मुतालिक, जैसे कि इंसर्ट टैब में हमने टेबल्स का जो ग्रुप है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इलस्ट्रेशन का जो ग्रुप है उसमें दो कमांड्स कंप्लीट किए हैं, पिक्चर अनलाइन पिक्चर, ये दो कमांड कंप्लीट हो गए। आज की जो हमारी क्लास है वो है शेप्स के मुतालिक, कि हम शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं, शेप कैसे ड्रा करते हैं, शेप कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये टॉप डाउन जो एरो है इस पर क्लिक करें। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ शेप मिल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप्स हैं यहाँ पे, बहुत अहम शेप्स भी हैं। आप इनको हेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको हेडिंग या किसी भी चीज़ को जो ये एरो का शेप है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं, तो हम कोई भी शेप चूज़ करते हैं। मैं ये शेप चूज़ करता हूँ, यहाँ पे लगा करता हूँ। तो दोस्तों देखो, जैसे ही हमने ये शेप लगा किया बनाया, तो शेप के बनते ही ड्रा होते ही इसके साथ एक फॉर्मेट टूल भी ओपन हो गया, इसके साथ ये भी ओपन हो गया। ये शेप अभी सेलेक्ट हुआ है इसलिए ये ओपन है, इसे मैं जैसे ही अनसेलेक्ट करता हूँ, कहीं और मैं क्लिक करता हूँ, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। आपको इस जगह पे वो फॉर्मेट का जो टूल था वो शो नहीं होगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तभी ये टूल शो होगा, ओपन होगा। तो इसे सेलेक्ट किया रखे, तो जैसे इसे सेलेक्ट किया इसके साथ मुख्तलिफ टूल्स भी ओपन हो गए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप है वो है इंसर्ट शेप। तो ये शेप है एक, आप यहाँ से कोई भी शेप दूसरा चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ये चूज़ करता हूँ। तो ये देखिए, ये इंसर्ट शेप है, ये ग्रुप है इसका। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये तो आपने पहले ही देख लिया है कि यहाँ से आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। ये शेप ले लीजिए, कोई और शेप ले लीजिए, इस शेप पे आप हेडिंग लिख सकते हैं, बहुत अहम कमाल की शेप्स है इसमें। तो ये देखिए, नेक्स्ट कमांड जो है वो है एडिट शेप। ये टॉप डाउन अगर है इस पे क्लिक करें, चेंज शेप, जो शेप आपकी सेलेक्ट हुई है आप उस शेप की जगह कोई दूसरा शेप लगाना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, पहले जो शेप था वो चेंज हो गया। जिस शेप को चेंज करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट शेप पे आएंगे, चेंज शेप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप कोई भी शेप लगा सकते हैं उस शेप की जगह। नेक्स्ट कमांड जो है वो है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, आपके ये जो शेप सेलेक्ट हुआ है आपके, आपको वो एडिट पॉइंट दे देगा। अब एग्जांपल ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं ये एडिट हो रहा है।
ये देख, आप इसे एडिट कर सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें, एडिट शेप पे क्लिक करें, इसको आप एडिट कर सकते हैं, कहीं से भी इसको खींचे ये एडिट हो जाएगा। ये देखें तो दोस्तों, ये जो एडिट पॉइंट का जो टूल है, ये एमएस ऑफिस 2007 में नहीं है, इसके बाद शायद 2010 में है। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 2013 है, इसमें तो है, 2010 में भी होगा, मुझे जो याद सही याद नहीं है, 2007 में नहीं है। जो दोस्त वो यूज़ कर रहे हैं उसमें ये कमांड, ये टूल नहीं मिलेगा उनको, एडिट पॉइंट का टूल 2007 में नहीं मिलेगा। शायद उसके बाद 10 वाले में हो, वो मैंने यूज़ नहीं किया। इसे डिलीट करते हैं, नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इस पर क्लिक करें तो ये देखें, आप जिस एरिया को सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट के लिए, उस हिस्से पे टेक्स्ट आप लिख सकेंगे। ये देखें, आप इस पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें, किसी शेप पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको ये टेक्स्ट उस जगह पे मिल जाएगा। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, नेक्स्ट कमांड है शेप स्टाइल। आप इस शेप को कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप यहां से दे सकते हैं। ये देखिए शेप फिल, नेक्स्ट कमांड शेप फिल, यहां से भी आप अपनी शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, आप शेप को कोई आउटलाइन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं शेप आउटलाइन लग गया। यहाँ से शेप में आपको एक और मजे की चीज बताऊं, मोर फिल कलर के बाद पिक्चर है, आप इस शेप में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर में है फ्रॉम ए फाइल, आप यहाँ पे आ जाएंगे ब्राउज में, आपके पास नेट कनेक्शन है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास नेट कनेक्शन लगा है इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है। आपके पास नेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, आपको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें, डेस्कटॉप या कहीं पे भी आपके पास कोई है तो ये देखें, ये इस पे लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर इस पे लग गया। ये भी हो गया शेप इफेक्ट, आप शेप को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये देखें, शेडो देना चाहते हैं, कमाल की चीजें हैं सब, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, आप इसके बाद सब देख लें। नेक्स्ट कमांड है वर्ड आर्ट स्टाइल,
ये किस लिए यूज़ होगा? ये टेक्स्ट के लिए, ये जो टेक्स्ट लिखा है आप इसे सेलेक्ट करें, इसके कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट फिल, यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, आप टेक्स्ट की कोई आउटलाइन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते तो यहाँ से ख़त्म करें, रखना चाहते हैं तो यहाँ से लगा दें। टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स से एक लेके दे दूँ। अब आपको सही समझ आएगी, टेक्स्ट इफेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन टेक्स्ट की हो जाएगी। ये देखें आप, टेक्स्ट आउटलाइन, ये देख सकते हैं टेक्स्ट की आउटलाइन लग गई। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ये देखें 3D में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त कमांड है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये लगाना चाहते हैं तो ये बहुत मुख्तलिफ ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट के हवाले से। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं, होम पे आ जाए, क्लियर पे आ जाए, क्लियर ऑल पे आ जाए, इसे क्लियर किया। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, कोई दूसरा शेप बना लेते हैं इसके साथ, शेप कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड है ग्रिंग फॉरवर्ड, पहले इसे बैकवर्ड करते हैं, ये इसके ऊपर रख दिया, सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, ये जो जिस शेप को आप सेलेक्ट करेंगे वो पीछे आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये सेलेक्ट किया हुआ है, लगिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे ले आए। सिलेक्शन पैनल, आपके पास जितने भी शेप्स होंगे या जितने शेप्स आपने बनाए हैं, जितने शेप क्रिएट किए हैं, उन तमाम का डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। आप इनको यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं, आप छुपाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जो कुछ आपको लिखा होगा उनका तमाम डेटा यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, एलाइजन, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाए रखें, क्लिक प्रेस करें, दूसरे को भी सेलेक्ट कर ले, एलाइजन पे क्लिक करें, एलाइजन सेंटर पे क्लिक करें सॉरी दोस्तों तभी ये ठीक नहीं है कुछ, एलाइजन पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया, मिड, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल दरमियान में आ गया। आप नीचे वाले को सेलेक्ट कर लें, उसको फ्रंट पे ले आए, ये देखिए ये बिल्कुल इसके सेंटर में है, बिल्कुल। शिफ्ट को दबाएं, ग्रुप, आप इन दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर अभी मैं इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊं तो ये
ऑटोमेटिकली एक जाएगा क्योंकि अलहदा अलहदा है। इन दोनों को जब ग्रुप बनाएंगे तो ये एक साथ जाएंगे। ग्रुप पे क्लिक करें, बस ये अभी अलहदा नहीं जाएंगे। ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। सेलेक्ट करें इनको, अनग्रुप करना चाहते हैं फिर इस पे क्लिक करें, अनग्रुप। ये देखें हो गया, एक को सेलेक्ट करें, एक भी सेलेक्ट होगा। ये देखें, नेक्स्ट कमांड को समझने के लिए एक शेप ड्रा करते हैं। नेक्स्ट कमांड है रोटेट का। यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं इसको, ये जो इसका निशान है यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हाइट कर सकते हैं। तो ये देखें, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।